विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में 2 दिवसीय छिंज मेला बड़ी ही धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। पंजाब और हरियाणा के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी अब छिंज मेलों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। 2 दिवसीय छिंज मेले में इस बार विदेशी पहलवानों का जलवा देखने को मिला। इस विशाल दंगल में एक ऐसी रोमांचक कुश्ती देखने को मिली जिसमें एक नेपाली पहलवान ने पंजाबी पहलवान को पटक कर मारा और कुश्ती और फुर्ती की कुश्ती अनोखा दाव पेच। हर कोई इस कुश्ती को देखते हैरान रह गया। एक अद्भुत कुश्ती का वीडियो आजकल ये खूब वायरल हो रहा है। जिला बिलासपुर के विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी के विशाल स्टेडियम में हुए विशाल दंगल के दौरान नेपाली पहलवान देवा ने जिस तरह से भारतीय पंजाबी पहलवान दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में चित किया, हर कोई हैरान रह गया। देवा थापा पहलवान ने कहा कि इतना प्यार उन्हें नेपाल में भी नहीं मिला जितना हिंदुस्तान के लोगों ने उन्हें प्यार दिया है। जबकि इस विशाल दंगल में इस बार भी कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पहलवान अपनी जौहर दिखाने के लिए पहुंचे और एक से एक बढ़िया अखाड़े में कुश्तियां दिखाकर लोगों का मनोरंजन किया। हालांकि इस प्रतियोगिता के दौरान सबसे मुख्य मुकाबला जस्सा पट्टी और गुरमीत दिल्ली के बीच हुआ। एक रोचक मुकाबला जस्सा पट्टी ने गुरमीत दिल्ली को हराकर खिताब पर कब्जा किया। दंगल कमेटी की तरफ से भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा और दंगल कमेटी के प्रधान चंद्र प्रकाश ने विजेता पहलवान को गुर्स और 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की। जबकि दूसरा मुकाबला धर्मेंद्र कोहली भारत केसरी और अजय के बीच में हुआ, जो कि कड़ा मुकाबला होने के बावजूद पॉइंट के हिसाब से निर्णय लेना पड़ा और इस प्रतियोगिता में धर्मेंद्र कोहली ने जीत दर्ज की। इसमें भी 1.5 लाख रुपए की राशि पहलवानों को इनाम स्वरूप दी गई। इसके अलावा एक अन्य अहम मुकाबला ईरानी पहलवान अवधूत कोहरा और बनिया पहलवान जम्मू के बीच में हुआ, जिसने बनिया पहलवान जम्मू ने ईरानी पहलवान को जीत किया। इस मुकाबले में भी 1.5 लाख रुपए की राशि पहलवानों को इनाम के रूप में दी गई। और मैं देवा थापा नेपाल से हूँ और यहाँ नैना देवी में कुश्ती लड़ने आया था। एक दिलशेर पहलवान यूपी वाले के साथ कुश्ती हुई और मैंने जीता और पब्लिक और जनता ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। इतना प्यार मुझे नेपाल में नहीं मिला जितना इस जनता ने यहाँ इंडिया के जनता ने मुझे प्यार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पिछले बार भी आए थे, मैं पिछले बार भी बहुत सारा प्यार दी थी यहाँ का जनता ने, इसका किस जनता के लिए फिर दोबारा आया हूँ जी। धन्यवाद। PLTV के लिए बिलासपुर से सुनील ठाकुर की रिपोर्ट।